हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फंटेसी तड़का में। तो फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो मैच खेला जाएगा, आपको बता दूं जो यहाँ पे मैच खेला जाएगा ओटीजी और सीडी के बीच में, बहुत ही अच्छा मुकाबला है, जैकपॉट मैच आपके लिए होने वाला है। उसका रीजन आपको बताऊंगा, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना, एक मिनट स्किप कर जाओगे तो शायद आप ग्रैंड लीग मिस कर जाओगे, पहले बता देता हूं। पूरा वीडियो देखना शुरू से एंड तक, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 8-10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपने पूरा देखना है क्योंकि ये मैच शायद आपको ग्रैंडली विन करवा देगा। बीपीएल में कभी ग्रैंडली विन कर पाओगे, बिग बैश में कभी ग्रैंडली विन नहीं कर पाओगे, लेकिन जो ये वाले मैचेस हैं, सुपर स्मैश वाले मैचेस हैं, इनमें आप ग्रैंडली विन कर सकते हो। 90% चांसेस है ग्रैंडली विन करने के। मेरी एक एक बात को समझना, सुनना ध्यान से, मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि ये मैच का बहुत बढ़िया, मैं खुद इस मैच में शायद 6 टीम के साथ खेल सकता हूं। हालांकि आपको मैं टीम 2 दूंगा, लेकिन मैं खुद इस मैच में 6 टीम के साथ खेल सकता हूं, ऐसी जोड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 4 टीम और बनाऊंगा तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे आपने एंट्री ले लेनी है। चलिए जल्दी से बात करते हैं क्या रहेगी हमारे दोनों टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग ऑन ओटीजी और सीडी के बीच में मैच खेलेगा। बहुत ही अच्छा मुकाबला आज वाला मैच हमारे लिए काफी अच्छा रहा, अगर आपने विन किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कोई भी कभी भी किसी भी तरह की इंजरी की अपडेट आ सकती है। अगर मैं 4 टीम और बनाऊंगा सुपर स्मैश की तो आपको यहां पर टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, तो यहां पर आपने जुड़ जाना। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उन वेबसाइट की टीम मिल जाती है जहां पर टीम टॉस के बाद बनते हैं, उन वेबसाइट की टीम आपको यहां पर प्रोवाइड मिल जाते हैं, टीम वगैरह मिल जाती है। तो आपको थोड़ी अपनी विनिंग दिखाऊंगा, कंट्री मेरी क्या रैंक चल रही है वो भी आपको दिखाऊंगा, स्पेशली फैंटेसी पावर 11 में। तो चलिए अब बात करते हैं टीम्स की। तो फ्रेंड, ये रहेगा दोनों टीम का ऑफिशियल स्क्वाड, इसी में से प्लेयर खेलेंगे, बाहर से एक भी पिक मत कर लेना, कोई भी प्लेयर नहीं खेलने वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये 12 प्लेयर है, 12 में से 11 खेलने वाले हैं। कौन से 11 खेलेंगे, क्या रहेगा बैटिंग ऑर्डर, सब इस वीडियो में डिस्कस हम कर लेंगे। ये दूसरी टीम का स्क्वाड है सीडी का, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉम ब्रू, जोश क्लर्कसन वगैरह। चलिए हम अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। इन दोनों का आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, आपको टीम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इनके बाहर से कोई भी प्लेयर पिक नहीं कर रहे, मतलब नहीं बनता टिप प्लेयर मिस होने को, कि बहुत अच्छे मुकाबले होते हैं, बहुत ज्यादा सेफेस्ट मैच मैं इनको मानता हूं, स्पेशली बिग बैश वाले और ये वाले सुपर स्मैश वाले। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो फ्रेंड, बहुत उम्मीद लग जाता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। यहां से बात करते हैं ओटागो बोर्ड्स की, प्लेयर की बात करें, हिमेश रदरफोर्ड है, ब्रेड विल्सन है, नाडू किचन है, माइकल रिपन है, शोनिक्स है, बैन कॉक्स है, जॉश फिनी है, जैकब डफी है, नाथन स्मिथ है, बैन रेन है, या फिर जैक हंटर, या फिर मैथ्यू बैकऑन में से कोई एक यहां पर खेलने वाला है। पॉसिबिलिटी है ज्यादा समझ जैक हंटर के लग रहे हैं, इनको टीम मौका दे सकती है। हालांकि मैथ्यू बैकऑन ठीक ठाक प्लेयर है, इनको भी टीम मौका दे सकती है। ये रहेगी पॉसिबल प्लेइंग 11, इन्हीं में से प्लेयर खेलेंगे, बाहर से कोई भी प्लेयर यहां पे खेलने वाला नहीं है। 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको दुनिया ने पिक किया हुआ है, लेकिन वो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, उसका भी आपको मैं बीच में बता दूंगा। बाकी आपको तो सेंट्रल स्टेज की बात करें, जॉर्ज बर्कर है, डेन क्लेवर है, विलियम है, टॉम ब्रूस है, जॉर्ज क्लर्कसन है, और कोना बर्नेट है, विल लेडी की, या फिर क्ली लैपोर्ट है। क्रिस्टन लैपोर्ट आपको तो बहुत अच्छा प्लेयर है, लास्ट 2 मैच में स्क्वाड में था, लेकिन अभी इनको दोबारा फिर से स्क्वाड में एड किया गया, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। तो अगर ये खेल जाता तो आपको एक तरफा विन करवा देगा, कुछ नहीं करेगा क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता, लंबे लंबे छक्के मारता, अगर इनके बैट विकेट लग जाती है। विलियम लुडी की रिपोर्ट में से कोई एक यहां पे खेलने वाला, डीन फ्रॉस्क्रॉफ्ट है, लैपोर्ड है, और ब्लेन टिकनर है, बेन विलर, अजाज पटेल है। तो ये रहेगी पॉसिबल प्लेइंग 11, मुझे नहीं लगता और कोई चेंज, बाकी चेंज करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि 12 मेंबर है, 12 में से 11 यहां पे खेलने वाले हैं। बाकी कुछ वेबसाइट है ग्रुप पे खेलने जाते हैं, उन पे खेल सकते हो। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं टीम्स की, क्या रहेगी मेरी टीम्स। तो फ्रेंड, ये प्रूफ है फंटेसी पावर 11, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रूफ आपके सामने ही है, ठीक है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, सिर्फ पेटीएम ड्रॉ दिया, कोई पैन कार्ड, कोई बैंक अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी अपना फोन उठाए, साइन अप करें फंटेसी पावर 11, इसमें मेरा विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, स्पेशली अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। उसका प्रूफ अभी आपको दिखा देता हूं, आपको मैंने सेम टीम दी आपके सामने, हालांकि आज मैंने इन्वेस्टमेंट कम ही रखा था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक टीम थी। यही सेम टीम मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी टीम जा रही है, तो आई होप आप भी विन कर रहे होंगे। अगर आपने हेड टू हेड ज्वाइन किया होगा तो आप आराम से विन करोगे। विन करने का सबसे बड़ा तरीका क्या था फ्रेंड, सबसे बड़ा जो एक कारण था वो इवन गलबी स्टाफ दे, तो यहाँ पे तो काफी अच्छी अपसेट, अगर आप ट्राई करें तो ट्राई कर सकते हो। इसमें मेरी रैंक ग्रैंड लीग में काफी अच्छी रैंक चल रही है, तो मैं ग्रैंड लीग वगैरह यहाँ पे विन कर सकता हूँ। तो ग्रैंड लीग खेलो, स्मॉल लीग खेलो, कुछ भी खेलो, सिर्फ पेटीएम ड्रॉ दे दिया, कोई पैन कार्ड, कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या टीम बनाई है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्मॉल लीग की टीम है, सेम टू सेम मैं टीम जाऊंगा, बाकी 100% बॉन्स में यहाँ पे यूज हो जाता है। ये मेरी टीम रहेगी यहाँ से फंटेसी पावर 11 की। अगर साइनअप करना चाहते हो साइनअप अपने कर लेना है। डेन क्लेवर है, विलियम है, हमेश रदरफोर्ड है, टॉम ब्रूस है, शोनिक्स है, माइकल रिपन है, जॉर्ज वर्कर वाइस कैप्टन है, कैप्टन नाडू किचन है, अजाज पटेल है, वेन विलर है, और जैकब डफी है। मेरी स्मॉल लीग की टीम है, हेड टू हेड ज्वाइन कर लो, अभी टीम काफी अच्छी है, सेम कॉपी पे करके ठोक दो जीत जाओगे, पहले बता देता हूं। हालांकि गारंटी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जीत सकते हो, ज्यादा चांस है जीतने, क्योंकि टीम काफी अच्छी है, काफी बैलेंस टीम है। और हाँ, कुछ चेंज करना चाहते हो एक चेंज कर लेना, क्योंकि रैंक क्लैश से बच जाओगे, नहीं तो बंटवारा करना पड़ेगा, 2-3 मेंबर सेम टीम
कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी टीम फैंटेसी पावर 11 की 20 रुपए का आपको बोनस मिल जाता है। नीचे लिंक दो, लिंक पर क्लिक करके इसके एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहीं पर इसका रेफर कोड है, रेफर कोड डाल के आपको बोनस वगैरह मिल जाएगा। इस लिंक में आप बोनस वगैरह यूज कर सकते हो, काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी ट्रस्टेड है, तो आपने साइन अप इस पे जरूर कर लेना। मेरा फिलहाल उसमें भी काफी अच्छा, इसमें मेरा फिलहाल काफी अच्छा मतलब बिलिंग परसेंटेज मेरा बढ़ रहा हुआ है। तो अब बात करते हैं क्या रहेगा मेरे ड्रीम एलेवन की टीम, जिसके लिए मैं आया हूं, जिसके लिए आपको मैं एनालाइज देना चाहता हूं, ग्रैंड लीग के लिए सेशन देना चाहता हूं। एक एक चीज प्लीज ध्यान से सुना करो, पूरा वीडियो देखा करो। यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, बैन कॉक्स खेलने वाला, डैन क्लेवर दोनों खेलने वाले, किसी को भी रखते हैं मिच रन भी नहीं है, बाकी ये नहीं है। फिलहाल हमारी टीम में डैन क्लेवर को क्योंकि ओपनिंग करेगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। चार बड़े यहाँ से बैट्समैन रखे हैं, हमेश रदरफोर्ड, टॉम ब्रूस को रखा है, और यहाँ से अपनी टीम में शॉन को रखा है और विलियम को रखा है। आपके पास ऑप्शन में ऑप्शन की बात करें, रॉस टेलर नहीं है, जेसी रेडर नहीं है, डीन फ्रेक्सर स्क्वाड में लेकर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा नील ब्राउन नहीं खेलेगा फ्रेंड। अगर आप देखोगे परसेंटेज, पता नहीं क्यों दोनों दुनिया ने पिक किया हुआ है, नहीं खेलने वाला, स्क्वाड में भी नहीं है, खेल कहां से जाएगा, इसीलिए नील ब्राउन नहीं खेलने वाला। इसीलिए आपको बता रहा हूं ये मैच आपके लिए जैकपॉट वाला मैच हो सकता है, क्योंकि दुनिया पिक कर रही है इसको, लेकिन ये खेलने वाला नहीं है। नील ब्राउन आपने भूल कर ही पिक नहीं करना है, क्योंकि स्क्वाड में भी नहीं है। बाकी आपको यहां पर बता दूं, जोश क्लार्कसन खेलने वाला, जोश फिनी खेलने वाला, इनको रख सकते हो, बाकी ये नहीं है, ये भी नहीं है स्क्वाड में। और यहां से लेपोर्ड को स्क्वाड में ऐड किया गया, इनको रखना चाहते हो, इनको रखते हो। बाकी आपको ब्रेड बेसन बहुत अच्छा प्लेयर है, ग्रैंडली विन करवाएगा और कुछ नहीं करेगा, परसेंटेज देखोगे बहुत ही कम इसकी परसेंटेज, सिर्फ 2% लोगों ने पिक किया हुआ है, 3 से 4 हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। आपको ग्रैंड इवेंट करवाएगा और कुछ नहीं करने वाला है, प्लेयर काफी अच्छा है। बाकी रखना चाहते हो अपनी टीम में स्मॉल लीग में भी ये रख सकते हो, क्योंकि ओपनिंग करेगा, ज्यादा से ओपनिंग करने के हैं। तीन मैंने यहाँ से आरोडर पिक किए, आरोडर की बात करें यहाँ से माइकल रिपन को रखा है, जॉर्ज वर्क को रखा है, एनाडू किचनो को रखा है। आपके पास जो ऑप्शन बचती हैं, ऑप्शन की बात करें यहाँ से डॉग ब्रेसवेल नहीं खेलेगा, बर्नेट खेलने वाला है, ये नहीं है, नाथन स्मिथ अपनी टीम में रख सकते हैं, ये भी खेलने वाला है। बाकी आपको बैरन को स्क्वाड में ऐड किया, ठीक ठाक प्लेयर है, इनको रखना चाहते हैं, इनको रखते हैं, बाकी ये भी स्क्वाड में है, बाकी इनका चांस थोड़ा कम है। बाकी आपको लूडी वगैरह थोड़ा इसकी रेंज भी, या तो ये खेलेगा या फोस्क्रॉफ्ट खेलेगा या फिर लेपोर्ड खेलेगा, तीनों प्लेयर डाउट फ्रेंड, तीनों में से कोई दो यहाँ पे खेलने वाले हैं जो रहेंगे यहाँ पे सिटी की तरफ से। आपको उधर डॉग ब्रेसवेल नहीं है। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन शेप की बात करें तो यहाँ से बैनर मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन रहेगा, नाथन स्मिथ सेफ रहेगा, और यहाँ से बर्नेट आपके लिए सेफ ऑप्शन यहाँ पे रह सकता है। तीन मैंने यहाँ से बॉलर्स भी किए हैं, कौन से रखे हैं बॉलर्स की बात करें, डफी जैकब डफी को अपनी टीम में रखा है, वैन विलर को रखा है, और यहाँ से अपनी टीम में ब्लेन टिकनो को रखा है। आपके पास ऑप्शन बताइए, ऑप्शन की बात करें एंडम मिले नहीं है, सेट रेंज नहीं है, सेट रेंज के पीछे दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन नहीं खेलने वाला है, पता नहीं क्या चक्कर है, लोगों ने पिक किया, लोगों को पता ही नहीं है, नहीं खेलने वाला, ये सेट रेंज नहीं खेलने वाला, अपने भूल कर भी टीमें पिक नहीं करना है। जैकपॉट मैच है, पहले बता देता हूँ 6 टीम के साथ मैं खेलने वाला हूँ। आपको मैं 4 टीम टेलीग्राम पे दूंगा, 2 टीम आपको फिलहाल प्रोवाइड करवाऊंगा, इन 2 टीम के साथ मैं खेलूंगा, इसके अलावा 4 टीम और बनाऊंगा, कि ऐसे मैच मुझे पर्सनली खेला काफी ज्यादा पसंद है। तो रही बात और बैर के, यहाँ से बैकन खेलने वाला है, बैकन को अपनी टीम में ट्राई करते हो, ये भी खेलने वाला है। यहाँ से विलजोन नहीं है, जैक हंटर है टीम में, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा ये। बाकी आपको बता दूँ ये वाले नहीं है, अजाज प्लेयर पक्का खेलेगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इनको रख सकते हो। बाकी वैभव स्मॉल नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, और आपको बता दो फ्रेंड ये वाले प्लेयर भी आपके लिए रिस्की रहेंगे, बाकी कोई भी प्लेयर यहाँ पे स्क्वाड वगैरह में नहीं है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन मेरा नाडू किचन, वाइस कैप्टन मेरा जॉर्ज वर्कर यहाँ पे रहने वाला है। ये मेरी टीम है, 2 और 3 मेंबर आप सेम कॉपी करके लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बाकी कुछ भी अपने कोड़ी कुछ भी चेंज करना चाहते हो। आपको चेंज करने की जरूरत क्या है आपको बताऊं, आप शोन एक्स की जगह ऐसे ब्रेड विल्सन को रख लो और टिकन की जगह अजाज पटेल को रख लो, ऐसा आप चेंज कर सकते हो, बाकी और चेंजेस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। टीम काफी बैलेंस है, काफी तगड़ी टीम लग रही है, इस टीम के साथ मैं 2 और 3 मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। मेरी टीम है, मैं सेम टू सेम इसी टीम के साथ मैं खेलूंगा। रही बात टीम टू की, रही बात टीम टू की फ्रेंड आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेड विल्सन को मैंने अपनी टीम में रख लिया, अजाज पटेल को मैंने अपनी टीम में रख लिया है, रदरफोर्ड मेरा कैप्टन, वाइस कैप्टन मेरा टॉम ब्रूस यहाँ पे रहने वाला। बाकी रखना चाहते हो कैप्टन ब्रेड विल्सन को जरूर कैप्टन बनाना, प्लेयर बहुत बढ़िया है, पहले बता देता हूँ, आपको ग्रैंड विन करवाएगा और कुछ नहीं करेगा ये, इसीलिए मैंने अपनी टीम में यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि अगर मैं और टीम बनाऊंगा तो कैप्टन मैं जरूर चूज करूंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी टीम, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा भाई, अच्छा लाइक कर देना, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो, क्योंकि जब आप हारते हो फिर मुझे मेरा कमेंट बॉक्स भर जाता है, हमारे YouTube चैनल का कमेंट बॉक्स भर जाता है कि भाई मैं हार गया, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब जीतता है तब कोई नहीं बताता, ये भी सच्चाई है, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप कुछ विन करते हो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, बाय बाय, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर।